मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है टाइम 10 और हम लोग सब 9 बजे सो के उठे हैं आज, क्योंकि रात को हम लोगों को आते आते 3 बज गई थी इसी वजह से। तो आज है दिशानी का बर्थडे। तो फ्रेंड्स, कल तो शॉपिंग की थी थोड़ी बहुत, और शॉपिंग वॉपिंग करके हम लोगों का कहीं और प्लानिंग था जयपुर में, तो फिर रात हो गई थी तो हम लोग नहीं जा पाए थे। मार्केट में घुसने के बाद है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, और टाइम कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा ही सेम हुआ था, तो इस वजह से है ना हम लोग कहीं दूसरी जगह पर जा नहीं पाए थे। तो शॉपिंग तो करके आ गई, और आप लोग तो देख ही पाओगे क्या लेके आई हूँ, मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो बस अभी है ना दिशानी दूध पी के बस उस कमरे में है, तो आज मैं आप लोगों को दिशानी को तब दिखाऊंगी जब वो तैयार हो जाएगी बर्थडे के लिए एकदम। तो बस, तो अभी सुबह उठी थी लेट, इसी वजह से ना नाश्ता भी नहीं बना पाई, तो नाश्ता बाहर से लाई थी। तो चलिए अभी नाश्ता कर लेती हूँ, और नाश्ते में क्या क्या है आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। और अभी तक घर पूरा फैला हुआ है देखिए, तो बाई आएगी और फिर जाके वो झाड़ू वाड़ू करेगी। तो तब तक हम लोग जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और फिर जाके शाम को हम लोग बर्थडे के लिए निकलेंगे। भी देखते हैं, अभी दिशानी के पापा ने ही प्लानिंग किया है कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, तो उन्हीं को पता है। अभी है ना नाश्ता कर लेती हूँ, और है ना कल है ना रात को जब आई थी ना, तो मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने बालों में तेल लगा के फिर जाके मैं सोई थी 3 बजे। तो फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट से आज का दिन शुरुआत करेंगे, इसीलिए दिशानी के पापा लेके आए हैं ब्रेकफास्ट सुबह का। तो ब्रेकफास्ट में है दाल पकवान, आलू बड़ा और घी का बना हुआ बालूशाही, और जाके चाय। तो बस यही है आज का ब्रेकफास्ट। तो दाल पकवान खाने के बाद तो एकदम ऐसा लगता है डिनर कर लिया है, इतना बड़ा साइज का और बहुत ही बड़ा साइज का। तो इसको खाने के बाद ना पेट में और जगह नहीं बची थी, सच में पेट एकदम भर गया था। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैंने चाय बना लिया था, और दिशानी के पापा ने नहीं पिया था चाय, क्योंकि वो तो ज़्यादातर पीते नहीं हैं, और इसको खाने के बाद बस पेट फुल हो गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं, दिशानी को भी तैयार कर दिया है। तो बस अभी निकल रहे हैं दिशानी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तैयार होके आ गए हैं, और अभी आए हैं दीदी, मैं और मेरा छोटा वाला भाई, और रोहिता और तनिषा, तो और दिशानी के पापा और मेरा भैया, वो दोनों गए हैं कुछ लाने। और जो रोहिता के पापा हैं वो भैया अभी भी मतलब ड्यूटी पर है, वो अभी तक आए नहीं, तो वो सीधे यहाँ पर ही आएंगे। तो बस, और मेरे फ़ोन में ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस का इशू आ रहा था, इसलिए ना दिन में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। और है ना सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद मेरे भैया और दिशानी के पापा ये तीनों मिलके बनाए थे मटन बिरयानी, ये सब कुछ। तो पूरा दिन यही सब कुछ चला, मटन बिरयानी, मटन करी, ये सब कुछ घर पे बना था, सब लोगों ने खाया पिया, और मैंने तो नहीं खाया था, मैंने कुछ ऐसा वैसा ही चटपटा खा लिया था, और बस मेरा पेट भर गया था। तो अभी देखिए दिशानी उसके मामा की गोदी में मुस्कुरा रही है, और उसको है ना आज थोड़ा सा मतलब पेट की प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। पहले पहले तो मैं नहीं समझी थी, क्योंकि मतलब मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही है, पर वो कभी ऐसे कहीं पे जाने के बाद परेशान बिल्कुल नहीं करती है, वो तो इन्जॉय करती है, पर आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो देखिए हम लोग तो आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा था ये रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा था। तो देखिए अभी है ना दिशानी के पापा और दिशानी के मामा, वो दोनों बाहर हैं, आए नहीं, वो दोनों तो अभी आ जाएंगे, पर भैया को थोड़ा सा, रोहिता के पापा को थोड़ा सा लेट होगा, तो उनके लिए भी हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो बस यहाँ पर बैठे हैं और थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, और दिशानी है ना बहुत मतलब वो है ना सैंडल पहनना ही नहीं चाहती है, बार बार खोलने की जिद कर रही थी। तो यहाँ पर है ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा लाइटिंग वाइटिंग था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोग आ गए हैं दिशानी के बर्थडे सेलिब्रेशन करने, और यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। फ्रेंड्स, दिशानी का ये फर्स्ट बर्थडे है, और आज से वो 1 साल कंप्लीट करके दूसरे साल में कदम रख रही है। तो आप सभी लोग उसको आशीर्वाद कीजिए कि वो अच्छा इंसान बने बड़ी होके, और ऐसे ही वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। और देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे, ये है रोहिता, आप सभी लोगों को हेलो बोल रही है, और वो है चटपटी तनिषा। तो सब लोग बैठे हैं, अभी तो तनिषा बस चुपचाप बैठी है, अभी तो उसका शुरू होगा खेलना कूदना उछकना। तो फ्रेंड्स देखिए, दिशानी का तो शुरू हो गया है, अभी वो नाइफ से ये सब से खेल रही है, तो देखिए
और तनिषा अभी भी मतलब रो रही है, और यहाँ पर अभिषेक मेरा भाई वो मोबाइल देख रहा है, और अभी तक दिशानी के पापा आए नहीं हैं, और उधर अब जाके थोड़ी देर बाद आ गए हैं दिशानी के पापा। तो ये देखिए हम लोग है ना और भी ऊपर आ गए थे एकदम टॉप पर। तो यहाँ पर आके ना मैं दीदी और हम सब लोग थोड़ा बहुत रील्स वील्स बना रहे थे, और बर्थडे है तो फोटो वोटो रील्स बनाना तो बनता है, इसीलिए बस यहाँ पर देखिए दीदी और मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ऊंचाई पे है इसीलिए। तो बस यहाँ पे भी सोचा था कि यहीं पर केक कट करेंगे, फिर है ना दिशानी देखिए बहुत ना परेशान कर रही थी, उसका बिल्कुल आज मन नहीं लग रहा था क्योंकि ना उसके पेट में थोड़ा सा बदहजमी था। तो ये है दिशानी के पापा, देखिए मुस्कुरा रहे हंस रहे, आज बेटी का बर्थडे है तो खुश तो दिखेंगे ही सही। तो बस यही सब कुछ, और यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे शायद पिज़्ज़ा बनता होगा। तो देखिए ये है तनिषा, मस्ती करी अभी, धीरे 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 इसका रेस बढ़ेगा और फिर जाके एकदम लास्ट तक एकदम मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो बस यही सब कुछ, और यहाँ पर देखिए रोहिता बहुत शांत है, अच्छी है, और रोहिता और तनिषा दोनों मैचिंग मैचिंग रेड रेड, और दिशानी ने तो अपना सैंडल फिर जाके उसके सिर में लगाया था, वो सब कुछ खोल दिया है। तो यहाँ पर बस हम लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, केक कटिंग का सोचा था, फिर लास्ट में है ना मतलब सोचा कि नीचे ही केक कट करेंगे, तो फिर नीचे ही कर लिया था, यहाँ पर बस रील्स वील्स बनाया था, और फिर यहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे, भैया नहीं आए थे अभी भी, तो भैया के लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बस टाइम पास कर रहे थे। और चलो टाइम पास करते करते अच्छी अच्छी फ़ोटो भी खींच लेंगे यही सोचा था। और ये देखिए सब लोग, और यहाँ पर है ना मैंने रील्स बनाया था, आप लोग अगर रील्स देखना चाहते हो ना तो मैं इंस्टाग्राम में डालूंगी, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर है ना दिशानी को लेके सब लोग फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे थे, पर दिशानी है ना किसी की गोदी में जाना ही नहीं चाह रही थी, अपना सारा सब कुछ खोल रही थी एक एक करके। ऐसा होता है, मैंने सुना है पहले भी, बहुत से लोगों ने मुझे बताया था जब मुझे बेबी नहीं था, तो बोला था कि बच्चे है ना जिस दिन घर पर प्रोग्राम हो या फिर कुछ हो उस दिन ज़्यादा परेशान करती है या करता है जो भी। तो यही हुआ है, सच बोलते थे वो लोग जो बोलते थे कि बच्चे है ना जिस दिन घर में प्रोग्राम हो कुछ हो फंक्शन हो तो वो लोग उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और उस दिन हम लोग तनिषा के बर्थडे में गए थे, तो वहाँ पर है ना दिशानी परेशान कर रही थी, पर इतना बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी, मतलब उसका लिमिट तो मुझे पता है, पर आज वो लिमिट क्रॉस कर रही थी, किसी की गोदी में नहीं जा रही थी सबसे पहली बात, बल्कि वो बाहर आके घूमती है तो इंजॉय करती है, वो घर पे जितना हो सके परेशान करती है या फिर घर से निकलने से पहले, अगर एक बार घर से बाहर हो जाती हूँ घूमने के लिए तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, पर आज पता नहीं उसको क्या हुआ। और दीदी बोल रही थी तो दिशानी को लेके फ़ोटो खींचूंगी, पर दिशानी है ना कहीं पे भी मतलब बैठ नहीं रही थी और फिर जाके खड़ी भी नहीं रह रही थी, किसी की गोदी में भी नहीं जा रही थी, बस मेरे तरफ आ रही थी, और बार बार मैं दिशानी को गोदी में ले रही थी, वो ना मेरे कपड़े पकड़ के खींच रही थी, गले का मंगलसूत्र पकड़ के, बाल पकड़ के, बहुत ज़्यादा उसके पापा और वो दोनों ही सेम ही है, जब भी मतलब मेरे पास आएंगे तो मेरे बाल और ये कपड़े ये सब कुछ मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ दिशानी से भी और उसके पापा से भी। अभी देखिए फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो मेरे बाल पकड़ रहे थे पीछे से, ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। और फिर जाके बस देखिए तनिषा यहाँ पे है ना कैमरे के सामने आके वो देख रही है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पर कैमरा लगा दिया था इसीलिए। और हाँ एक बात मुझे याद आया, आप लोग ये मत सोचना कि मैं जयपुर जाके ये वाला ड्रेस लेके आई थी, ये वाला ड्रेस मैं जयपुर से नहीं, ये वाला ड्रेस मैं ऑनलाइन खरीदी थी पहले, तो ये तो ऑनलाइन ख़रीदा था। और जयपुर से जो ड्रेस लाई थी ना मैं उसका एक, जयपुर से जो मैंने शॉपिंग किया था ना उसका मैं अलग से एक ब्लॉग बना दूंगी, और वहाँ पे है ना दिशानी का जो ये ड्रेस है ना ये भी मैंने दिशानी का ड्रेस फर्स्ट क्राई से लिया था, जयपुर से जो शॉपिंग किया था मैंने बर्थडे के नाम पे शॉपिंग तो किया था दिशानी के पापा के पास से, पर मेरे दिमाग में था कि ये दुर्गा पूजा का शॉपिंग है तो दुर्गा पूजा भी आ गया है, तो इसीलिए ना मैंने दुर्गा पूजा का शॉपिंग कर लिया था, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है और मेरा शॉपिंग भी नहीं हुआ था, तो थोड़ा बहुत मैंने दुर्गा पूजा का शॉपिंग कर लिया था, पर मैंने दिशानी के पापा को ये कह के शॉपिंग करवाया था, दिशानी का बर्थडे का शॉपिंग तो करवा भी दिया, तो चलिए शॉपिंग हो गया है। तो वो ड्रेस है ना मैं दुर्गा पूजा में ही पहनूंगी,
और इसीलिए ना मैंने आज ये वाला ड्रेस पहना है, क्योंकि ये वाला ड्रेस है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अच्छा है, कंफर्टेबल है। और दिशानी को मुझे ही लेना पड़ेगा, और घर पे जाके वो वाला ड्रेस पहनूंगी तो मम्मी सब लोग है दिशानी को लेने के लिए सब कुछ, तो इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाया, थोड़ा बहुत दिशानी को लेके डांस वांस भी कर लिया है, आप लोगों ने तो देखा ही है। तो देखिए ऊपर से है ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही थी इस रेस्टोरेंट का मतलब सेटअप कैसा है, तो देखिए अच्छा है, मतलब अच्छा ही है, ठीक ठाक है। पर यहाँ पे म्यूज़िक चल रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने म्यूट कर रखा था पूरा वीडियो, तो फिर आप लोग हमारी पूरी बातें सुन सकते थे, हम लोगों के अंदर क्या क्या बातें चल रही थी, सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे, क्या क्या बातें चल रही थी। लेकिन वही है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता अगर मैं म्यूट नहीं करती तो। तो ऊपर से फ़ोटो वोटो खिंचवा के अब चलती हूँ नीचे। तो यहाँ पर मैं नीचे जा रही थी और ये सीढ़ी है ना बहुत राउंड राउंड खट 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 आवाज़ आ रही थी, तो बस अब नीचे जाऊँगी। और दिशानी है ना उसके मामा के पास है, तो चलती हूँ देखती हूँ क्या कर रही है। वो लोग पहले ही नीचे आ गए थे, तो फिर जाके यहाँ पर देखिए मैंने दिशानी को ले लिया है, और दिशानी है ना रो रही है, तो लेके मैं क्या करूँ, बैठ भी नहीं पा रही थी, घूम रही थी इधर से उधर। वो देखिए तनिषा अभी मस्ती करना शुरू ही की है। और बस मैंने दिशानी को लिया और मेरा भाई फिर से ऊपर चला गया दोनों ही फ़ोटो खिंचवाने। तो यही होता है आजकल, फ़ोटो वीडियोस बिना तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर दीदी बैठ गई थी, तो अभी है ना सोच रहे थे स्टार्टर मंगवा लेते हैं, और दीदी ने ही ऑर्डर किया था स्टार्टर, जिसको जो भी खाना था ना सब लोगों ने अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर किया था, एक चीज़ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें था। और यहाँ पर देखिए इनका बर्थडे का जो है सिर पे लगाने का क्या बोलते हैं मैं भूल रही हूँ, तो वही अब दिशानी तो नहीं लगाएगी मुझे पक्का पता है, देखना। तो दीदी दिशानी को लगा के दे रही थी, तो यहाँ पर देखिए दिशानी रोएगी अभी, देखना उसको कुछ भी पहनने की इच्छा नहीं होती, पैरों में पायल धागा या फिर कुछ भी, गले में कुछ नहीं, बिल्कुल भी वो फ्री रहना चाहती है हमेशा, चप्पल तक नहीं पहनना चाहती, सैंडल जूता कुछ नहीं। और बस देखिए उसके पापा उसके फ़ोटो निकालने के लिए ये सब पहना रहे थे, पर उसका तो आज मूड ही नहीं था बिल्कुल भी। तो देखिए दिशानी के पापा का भी मैंने सोचा था फ़ोटो वोटो खिंचवाऊँगी, पर वो भी फ़ोटो खींचने में इतना वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर तो देखिए कुछ देर बैठे रहे हम लोग, इंजॉय किया, और फिर जाके यहाँ पर आ गया है हम लोगों का स्टार्टर। तो दीदी ने और मैंने ही फर्स्ट में स्टार्टर ऑर्डर किया था, तो यहाँ पर किया था पनीर टिक्का, स्वीट कॉर्न और क्रिस्पी कॉर्न ऐसा कुछ। तो यहाँ पर देखिए ये सब लोग हम लोग सब ले लेके खा रहे हैं, स्टार्टर शुरू कर रहे हैं, और अभी तक भैया नहीं आए हैं, वो अभी तक फ्री नहीं हुए थे, तो रास्ते में ही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और दिशानी है ना इधर ही बैठ के रो रही है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था स्पेशली ये जो दिख रहा है आप लोगों को बड़ा सा चीज़ खाकरा, तो ये चीज़ खाकरा है ना मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो मैंने ऑर्डर किया था स्टार्टर में। तो दिशानी के पापा मुझे बोल रहे हैं उठ पटांग ऑर्डर सब तुम्हारे ही होते हैं, तो यही सब कुछ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, और लास्ट में बच्चों को और मुझे, हम सब लोग तो यही खा रहे थे, बच्चे और मैं, और धीरे धीरे ये लोग भी खा रहे थे, पर मुझे सुनाने का सुना दिए। और फिर यहाँ पर देखिए दिशानी देख रही है कार्टून, उसका तो हर जगह पे फ़ोन चाहिए कार्टून चाहिए, और उधर पनीर टिक्का और स्वीट कॉर्न इंजॉय कर रहे हैं अभिषेक और कुंदन, और इधर दीदी हम लोग फिर खा रहे थे और पास्ता। और फिर जाके यहाँ पे बहुत कुछ आया था बाद में, चलिए आप लोगों को दिखेगा। तो अभी देखिए मैंने तो खाकरा खा लिया है और सब लोगों ने खाया है, बस थोड़ा सा बचा है। तो अभी है ना स्टार्टर भैया अभी तक आए नहीं, तो स्टार्टर में कुछ भैया के लिए भी दीदी रखेगी, और फिर जाके भैया आएंगे तो वो भी खाएंगे, फिर जाके मेन कोर्स के बारे में देखेंगे कि क्या खाए। और यहाँ पे था मशरूम स्टार्टर में, मशरूम चीनी मशरूम या कुछ ऐसा ही था दीदी ने ऑर्डर किया था, चीनी मशरूम। मशरूम दीदी को पसंद है, दीदी हमेशा हेल्दी खाना खाती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने खा ली थी मशरूम, और मैंने भी टेस्ट किया था, मुझे है ना मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं था शुरू से ही, पर दीदी ने जब ऑर्डर किया और मैंने एक पीस खाया था तो अच्छा लगा था मुझे भी। फिर देखिए यहाँ पर दिशानी है ना खाने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, तो मैं उसको ना खाकरे के ऊपर से ना चीज़ उठा उठा के उसके मुंह में दे रही थी, और वो चीज़ ही खाएगी। अब बताओ चीज़ खिलाना छोटे बच्चों को तो अच्छी बात इतना है नहीं, तो फिर भी थोड़ा बहुत दे रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी थी, उसको रोना आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, तो बार बार देखिए हाथ लगा रही थी खाकरे के ऊपर। और तनिषा और रोहिता को भी चीज़ खाकरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये वाला स्टार्टर जो मंगवाया था वो फिनिश हो गया है, और अब जाके दिशानी के पापा ने और भी स्टार्टर ऑर्डर किया है, उनका स्टार्टर ही ख़त्म नहीं हो रहा था,
पता नहीं डिनर में वो क्या ही करेंगे। फिर जाके है ना दिशानी रो रही थी तो उसको लेके थोड़ा बहुत हवा चल रही थी, तो मैं घूम रही थी, खड़ी हो रही थी तनिषा, और देखिए तनिषा उसके साथ बात कर रही थी, तनिषा नहीं हाँ तनिषा रोहिता रोहिता सॉरी मैं नाम है ना भूल जाती हूँ। तो देखिए दोनों मैचिंग मैचिंग और मैं लाइट पिंक, इन दोनों के बीच ये दोनों ज़्यादा खिल रहे हैं। बस फिर यहाँ पर देखिए दिशानी को है ना आजकल मैं रोज निप्पल नहीं दूँ, कहीं आती हूँ तो देती हूँ ताकि वो चुप रहे। फिर यहाँ पर देखिए आ गया था वेज कॉर्न पास्ता और किसी चीज़ का टिक्का था, और फिर जाके यहाँ पर था फ्रेंच फ्राई, तो ये सब कुछ था तो ठीक ठाक था। और इतना सब कुछ खाने के बाद ना अब मतलब सच बोलूँ तो अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर भैया भी आ गए थे, भैया ने भी स्टार्टर फिनिश किया और पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। फिर हम लोगों ने सोचा चलो केक कट कर लेते हैं पहले। तो फाइनली दिशानी का एक साल कंप्लीट हो गया है, और दिशानी के पापा ने देखिए उसका नाम चीनी लिखवा के लाए हैं, दिशानी नहीं लिखवाया है तो मैं बोल रही थी, और वन ईयर्स का कैंडल भी नहीं लेके आए हैं। उसके पापा बोल रहे हैं मैं कैंडल नहीं जलाऊंगा वन ईयर्स का, तो इसी वजह से वो कैंडल नहीं जलाएंगे, उनका पता नहीं क्या है, तो मैं तो नहीं जानती। बोलते कैंडल नहीं जलाना चाहिए एक साल का, पता नहीं उनका कुछ भी है फिलोसफी। तो बस यहाँ पर केक तो कट हो गया है, और देखिए बच्चों का नज़र केक के ऊपर। पहले हम भी छोटे थे तो हमारा भी ऐसा ही हाल होता था कि कट कब होंगे, इसी चीज़ का इंतज़ार करते थे। तो अब देखिए रोहिता और तनिषा को लग रही है जुकाम बहुत तेज, तो दीदी मना कर रही थी उनको केक देने के लिए, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा तो देना ही उनका मन है बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो अभी केक कट हो गया है। और हम लोग फोटो वोटो ले रहे थे, और मेरे फ़ोन से है ना केक कट करते टाइम जो वीडियो बना था ना वो पता नहीं मतलब कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था और वीडियो किया था, तो वो वीडियो मेरे फ़ोन से गायब हुआ था। अच्छा मेरा फोन मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? वो मेरा कस्टमर रहा फोन लगा रहा है। तो चलिए जितना भी हो सके मैंने आप लोगों के साथ, बस केक कट हो गया है। अब जाके हम लोग सब मेन कोर्स के लिए पूछ रहे थे, दिशानी के पापा पूछ रहे थे कि मेन कोर्स में क्या लोगे, पर भैया सब लोगों ने बोला कि मेन कोर्स क्या लेंगे, हम लोगों का तो इतना सब कुछ खाने के बाद अब पेट भर गया है बिल्कुल। फिर जाके दिशानी के पापा और भैया दोनों को थोड़ा थोड़ा मेन कोर्स में राइस और दाल, भैया और दिशानी के पापा बोल रहे थे सब कुछ खाने के बाद भी थोड़ा सा राइस नहीं लेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो और दीदी को मुझे कुंदन अभिषेक को दिशानी के पापा बार बार बोल रहे थे कि मेन कोर्स नहीं लोगे, ऐसा होता है क्या? पर वो दोनों बोल रहे थे अब पेट में जगह है ही नहीं, आपने स्टार्टर इतना ज़्यादा मंगवा लिया इसीलिए। तो बस देखिए अभी है ना दिशानी के पापा तो ये लोग खाना खा रहे हैं, और चीनी देखिए उधर घूम रही है मामा के साथ। फिर जाके लास्ट में आ गया था वर्जन मोहितो, तो यहाँ पर हम सब लोग पी रहे थे, और फिर जाके अब घर चलने की तैयारी है। टाइम भी हो गया था, लमसम बहुत ज़्यादा ही हो गया था, और दिशानी के पापा का तो फ़ोन ही चलता रहता है, तो बस मोहितो पीने के बाद अब हम लोग घर जाएंगे। तो हमारा बर्थडे मन गया अभी हम लोग सब घर जा रहे हैं। ये देखिए और दिशानी अभी सो गई है, वो थक गई आज दिशानी ने परेशान कर दिया ना। नहीं नहीं वो थक गई, वो थक दिशानी, हम लोग भी थक गए, वो भी थक गई सो गई। तो निकल रहे हैं अभी हम लोग, फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ, और दिशानी के पापा मामा वो लोग कहीं हैं, तो हम सब लोग आ गए हैं, दीदी मैं भैया हम सब लोग और रोहिता तनिषा हम सब लोग घर पे आ गए हैं। तो देखिए पूरा घर कितना बिखरा हुआ है, जल्दी जल्दी मैं निकली थी, इधर की चीज़ें उधर की चीज़ें उधर पड़ी हुई थी। तो बर्थडे तो बहुत अच्छे से मन गया है, हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ खा लिया है और घर भी पहुंच गए हैं। और दिशानी है ना अभी सो रही है, वो आज बहुत ज़्यादा परेशान करती, मतलब आज तो उसने लिमिट क्रॉस कर दी, ऐसा परेशान कर रही थी उसकी है ना। एक्चुअली में उसका नोज बंद हो रखा था जुकाम की वजह से, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है थी, तो उसका अच्छे से फ़ोटो वोटो भी नहीं खींच पाई बिल्कुल भी, और जूता खोल रही थी, कुछ कुछ कर रही थी, बहुत परेशानी कर रही थी।
तो चलिए जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा। तो बस आज दिशानी का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे, तो बहुत अच्छे से हो गया है सब कुछ। तो अभी आज का ये ब्लॉग मैं यही पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।